हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं द आयरन ग्लो पे। तो हालांकि ये हॉलीवुड मूवी है, बट हम जो रिएक्ट करेंगे तो उसका हिंदी ट्रेलर भी करेंगे। जैक एफ्रॉन है इसमें और मूवी कभी डेट नहीं है कब आ रही, बट जो लोगों को, जिन बच्चों को या जिन्होंने भी रेसलिंग्स वगैरह देखी है, WWE देखते हैं, तो उन्हें बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि मूवी इज बेस्ड ऑन रेसलिंग ओनली। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं, लेट्स एंजॉय द ट्रेलर। बचपन से ही मैं सुनते आया हूँ कि मेरी फैमिली शापित है। मॉम ने पूजा पाठ करने की कोशिश की और डैड ने हमें रेसलिंग सिखाई। उन्होंने कहा कि अगर हम सबसे टफ, सबसे स्ट्रांग रहेंगे तभी कामयाब होंगे और तब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने उनका विश्वास किया, हम सभी ने। जैक एफ्रॉन कैसा हो गया है? मॉर्निंग पैंट्स पहनो प्लीज डेविड। गैरी, मैं चाहता हूँ तुम अपने भाइयों के साथ खेलो। यस सर, मैं कर सकता हूँ। सबको पता है कि कैरी मेरा फेवरेट है, फिर केव, फिर डेविड, फिर माइक, लेकिन ये बदल भी सकता है, याद रखो। तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए केविन वॉन एरिक? एक्स्ट्रा चिकन। मुझे अपनी फैमिली के साथ है, अपने भाइयों के साथ। तो तुम सब भाई मिलकर क्या करते हो? आज हम यहाँ इंसाफ वापस लाएंगे इस रेसलिंग फेडरेशन में, जिसे हमारे पिता ने अपने हाथों से बनाया, और वो जिम्मेदारी अब हमारे हाथों में है। अब तुम बस हमारे आयरन क्लॉ का इंतजार करो। तो क्या सोचा तुमने? हमें झेल पाओगी? मुझे तुम्हारी फैमिली पसंद आई। मैं चाचा बनने वाला हूँ। यस सर। ओह मैन, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। मैं क्या आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? डैड माइक को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको उन्हें समझाना होगा। वो उनके बीच की बात। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। फील हुआ? पुश करो। समय से वेट कर रहा था मैं, इसकी मेहनत कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ केविन, सच में कुछ नहीं हुआ। मैं डर रहा हूँ केविन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मुझे उसे रोकना होगा। फैमिली के बारे में भी सोचना है। तुम्हारा काम रेसल करना है, उस पर ध्यान दो या फिर सब खत्म। मुझे बस तुम लोगों के साथ रहना पसंद है, बस यही एक चीज है जिससे मुझे प्यार है। June 14। तो गाइस, ये था ट्रेलर द आयरन ग्लो का, हिंदी में था, बहुत सही लग रहा था, बहुत अच्छा है। 1980s के समय का है ये पीरियड जो इसमें दिखाया गया है, और ये शायद नेटफ्लिक्स पे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लायंस गेट प्ले पे आएगा ये, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, नहीं तो फिर और मीडियम है वहाँ पे देखने मिल जाए। तो मूवी बहुत सही लगी, जैक एफ्रॉन की फाइनली एक्टिंग बहुत सही लग रही है इसमें, और काफ़ी अच्छा होने वाला भी, तो पहले ही ट्रेलर है, तो देखते हैं आगे और भी ट्रेलर आएंगे। आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और फेवरेट WWE स्टार कौन है आपका वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, कीप सब्सक्राइब।